किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ अफेयर चल रहा है। पूर्वी, तू बता ना ओवी मैम को, तू तो अर्जुन सर के साथ दिन रात काम करता है, तुझे पता है कि उनकी कैसी मीटिंग्स होती है, क्या प्लान्स होते हैं, कहाँ किससे मिलते हैं। तू बता ना ओवी मैम को कि अर्जुन सर ऐसे बिल्कुल भी नहीं, क्या तुझे लगता है वो ऐसे होंगे, उनका कहीं और अफेयर होगा? पूर्वी तू पता करेगी आज कि वो लड़की कौन जो अर्जुन सर और ओवी मैम की जिंदगी में जबरदस्ती की प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। तू इतना करेगी ना मेरी, तू पता लगाएगी ना। अगर मेरी और अर्जुन की सच्चाई सबके सामने आ गई तो नहीं, मुझे ऐसा होने से रोकना होगा। इससे पहले कि वो लड़की ओवी को सब कुछ बता दे, मुझे उस लड़की तक पहुंचना होगा। जरूरत पड़ने पर अर्जुन से भी बात करनी होगी। उससे लाख नफरत से, लेकिन आई और ओवी की खातिर मुझे उससे मिलना होगा। पूर्णिमा जरा सुनो तो, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। वो जो हमारी टेलीफोन ऑपरेटर रूबीना है ना, उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है, तो वो आज काम पर नहीं आने वाली। क्या हुआ, सब ठीक तो है? कोई सीरियस प्रॉब्लम? ना, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन रूबीना की यहाँ ना होने की वजह से हम सबको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो हम सब चाहते हैं अगर आज का दिन सिर्फ तुम रूबीना का काम संभाल सको तो हमारे लिए हेल्प होगी। सी पूर्णिमा, वी कैन अंडरस्टैंड। हमें तुमसे ये सब कहने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी है। लगातार क्लाइंट्स के कॉल्स आ रहे हैं और एक्सटेंशन भी ठीक से मिल नहीं रहे। अब यहाँ की प्रॉब्लम तो कोई समझेगा नहीं, बेकार में कंपनी का नाम खराब होगा। ठीक है, आज के लिए आई डू इट। थैंक्स अ लॉट पूर्णिमा। इसमें थैंक्स की क्या बात है, आफ्टर ऑल वी आर ऑल अ टीम। आप उनके साथ नेगोशिएशन की बात शुरू कर दीजिए एंड सेटल फॉर अ लोअर कॉम्पेंसेशन प्राइस। मैं ओवी को जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम से निकालना चाहता हूँ। सच्चू, क्या प्रॉब्लम है? ओवी के साथ कुछ हुआ है क्या? जो भी हो, आपसे मतलब। एक सेकंड, शायद तू भूल रहा है सच्चू कि मैं तेरी आई हूँ। तेरी जिंदगी में, ओवी की जिंदगी में, तेजू की जिंदगी, क्या हो रहा है इन सारी चीजों का मतलब मुझे जानना जरूरी है। इतने सालों तक मैं तुम लोगों के साथ नहीं थी, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन आज अगर मैं तेरे सामने हूँ तो मुझे जानने का पूरा हक बनता है। मुझे पता ओवी के साथ क्या हुआ है। अर्चना जी, इंडिया आने से पहले ओवी ने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्ट्रैक्ट मैं अभी शादी नहीं कर सकती हूँ, बट मुझे शादी किए बिना कनाडा वापस नहीं जाना है। अब प्लीज कुछ भी करके मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए। अच्छा, तू टेंशन मत ले, आई विल ट्राई एंड आई एम श्योर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल आएगा। सचिन, एक्चुअली द केस इज क्वाइट क्रिटिकल, इट्स ओनली यू जो हमारी मदद कर सकता है। प्लीज डू समथिंग। अर्जुन, नो वरी, मेरे होते हुए मेरी बहन को कुछ नहीं होगा। एनीवेज, आई विल मेक अ मूव, मेरी मीटिंग। अब सचिन, वन मोर थिंग। सचिन, एक्चुअली जस्ट मेक इट श्योर कि मानव अंकल को इस बारे में कुछ पता ना चले। ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जब तक उनका काम खत्म नहीं होता वो भी शादी नहीं कर सकती। और ये तो बहुत ऑब्वियस ही बात है ना कि अब ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ओवी की सगाई हो चुकी है, शादी की डेट फाइनलाइज हो चुकी है, इसलिए उस कंपनी ने ओवी के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया। लीगल मतलब? एज इन केस फाइल किया। ये जो आपकी खामखा की चिंता है ना, अपने पास रखें, और ये जो फेक कंसर्न है ना, प्लीज मत दिखाया जाए। अभी ओवी का भाई उसके साथ है और उसको कोई भी प्रॉब्लम से निकाल सकता। ठीक है? और हाँ, बाबा को इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं। ओवी भी यही चाहती। हम नहीं चाहते कि बाबा की प्रॉब्लम्स और बढ़े, उनके पास ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सचिन, मुझे बताने के लिए। वैसे अगर तेरी ये आई अपने एक बेटे के लिए अपनी पूरी गृहस्थी लुटा सकती, तो दूसरी बेटी के लिए ये राज भी रहने दे सकती। बस एक विनती है, ओवी को जल्द से जल्द इस चीज से बाहर निकाल, प्लीज। ऐसे अर्जुन के मामले को लेकर ओवी इतनी परेशान है। और से ये सब कुछ मुझे हर हाल में उसकी मदद करनी होगी, उसकी परेशानी कम करनी होगी। क्या करूं मैं? हाँ, मैं पूर्वी से बात करके देखती हूँ। अब तक तो शायद उसे कुछ ना कुछ पता चल ही गया होगा उस लड़की के बारे में। हेलो, या वन मोमेंट प्लीज। हेलो जी, जस्ट अ मिनट। हेलो, क्या मैं पूर्वी देशमुख से बात कर सकती हूँ? अच्छा, क्या आप पुनी जी? अब वो एक्चुअली आज हमारी रिसेप्शनिस्ट काम पे नहीं आई थी तो मैं उसका काम कर रही हूँ। अच्छा, वो पुनी मुझे पूर्वी से बात करनी थी। मैं उसको फोन लगाने की कब से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं उसका फोन नहीं लग रहा है, ऑफ आ रहा है बार बार। अब कोई बात नहीं, मैं अभी लाइन कनेक्ट करती हूँ। हाँ ठीक है। हेलो पूर्वी, तेरे फोन को क्या हो गया? कब से तुझे फोन कर रही, तेरा फोन ऑफ ही आ रहा है, पता नहीं क्या। आई एक्चुअली फोन की ना बैटरी डाउन हो रखी है, तो मैंने अभी अभी चार्ज पे लगाया। तू बता, तूने मुझे कैसे फोन किया? पूर्वी, वो तूने उस लड़की के बारे में कुछ पता किया? कौन है, कहाँ, क्या तूने कुछ पता किया उस लड़की के बारे में? आई, अभी तक तो पता नहीं चला, लेकिन मैं उस लड़की का जल्द से जल्द पता लगा कर रहूंगी जिसने ओवी मैम को फोन किया था। ओवी प्लीज, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पता कर। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि ओवी बेचारी कितना सोच रही होगी इन सारी चीजों के बारे में। आई, तो क्यों इतनी टेंशन ले रही है? देख, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। वो लड़की चाहे जो भी हो, मैं उसका पता लगा के रहूंगी। आई, चल ठीक है, तू जल्द से जल्द पता करा। बाय बाय। ओवी को किसी लड़की का फोन आया था और वो लड़की उससे कह रही थी कि अर्जुन का किसी और लड़की से अफेयर चल। अर्जुन का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अर्चना, मैंने अखबार वाले को इस महीने का बिल दे दिया, इसलिए बता रहा हूँ, तुम गलती से उसे दोबारा मत दे देना। ये पैसे मानो, 2 दिन नहीं आया था पेपर तो पैसे काट लीजिए। अर्चना, मैंने कहा मैंने पैसे दे दिए। सॉरी, मैं क्या हो अर्चना, तुम परेशान लग रही? नहीं, कुछ नहीं मानव, कुछ नहीं हुआ। अर्चना, मानव वो कुछ दिन पहले ओवी आई थी आई के घर पे। आई के घर? किस लिए? और बहुत रो भी रही थी। रो रही थी? क्यों, क्या हुआ है? एक्चुअली मानव, वो ओवी को किसी लड़की का फोन आया और वो लड़की उससे कह रही थी कि अर्जुन का किसी और लड़की से अफेयर चल रहा है। इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। जानती हूँ मानव, और यही चीज मेरे ओवी को भी समझाई। मैंने उससे कहा कि अर्जुन ऐसा कभी नहीं कर सकता। आप टेंशन मत लीजिए। मैंने पूर्वी को कहा है कि वो उस लड़की के बारे में पता करे। वो सब तो ठीक है अच्छा, लेकिन कौन है जो बार बार अर्जुन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? पहले ये एमएमएस आया, उसके बाद अभी कॉल आई। वो तो अच्छा है कि हम लोग अर्जुन को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वरना ये जो कोई भी है वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसे मुझसे प्रॉब्लम है। आपसे प्रॉब्लम? लेकिन क्यों मानव? आपसे मैं समझे नहीं। देखो अर्चना, उस लड़की ने ओवी को फोन करके ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है। इसका मतलब वो अच्छी तरह से जानती है कि अगर ओवी को तकलीफ होगी तो अल्टीमेटली तकलीफ मुझे होगी। इसलिए जो कोई भी है, या तो हमारे घर का है या हमारे ऑफिस का। मानव, घर से? लेकिन ऐसा कैसे कोई कर सकता है? घर का इंसान होने को तो कुछ भी हो सकता है अर्चना। मैं भी मानव, आप ओवी को फोन करने जा रहे हैं? हाँ। उसे फोन मत कीजिएगा प्लीज। अर्चना, मैं जानना चाहता हूँ वो ठीक है या नहीं। मुझे उससे बात करनी है। हो सकता है उसे मेरी जरूरत हो सकता है मानव, लेकिन अभी वो बहुत परेशान है मानव। ऐसे में आप उसे फोन करेंगे तो वो क्या जवाब देगी? और अगर ऐसे में उसने ये पूछ लिया कि आपको किसने बताया सब, तो आप क्या करेंगे? ठीक है अर्चना, मैं फोन नहीं करूँगा। लेकिन अर्चना प्लीज, तुम्हें कुछ भी पता चलता रहे या इस मामले में जो कुछ भी होता है, तुम मुझे बताती रहना। बिल्कुल मानव। अर्चना, आज तक बच्चों को लेकर अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ है या कोई भी प्रॉब्लम्स आई तो मैंने खुद आगे बढ़कर उनकी हर प्रॉब्लम सॉल्व की। लेकिन आज मेरी जगह पर तुम हो, और शायद तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह से उनकी प्रॉब्लम्स को समझती भी हो और हैंडल भी कर लेती हो। सच कहूं तो तुमने बिल्कुल सही कहा, इस वक्त मेरा ओवी को फोन करना ठीक नहीं था। मानव, मैं ओवी के आई हूँ और मेरी जिम्मेदारियाँ उतनी ही बनती है जितनी की शायद आपकी। मैं जानती हूँ आज तक आपने दोनों बच्चों को संभाला है, उन्हें बड़ा किया है, उनकी सारी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व की। लेकिन शायद अब पप्पा ने जिम्मेदारियाँ मुझ पर सौंप दी है। और आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ कि मैं जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभा सकूँ। ऐसे भी 3 महीने की बात है, उसके बाद सब कुछ आप ही को तो संभालना। अर्चना, मैंने पहले भी तुमसे कहा है और आज फिर से कहता हूँ, डिवोर्स पति पत्नी को अलग कर सकता है, लेकिन एक आई को अपने बच्चों से नहीं। डिवोर्स के बाद भी तुम बच्चों से मिल सकती हो। अर्चना, तुम कहीं जा रही हो? हाँ मानव, मैं आई के घर जा रही थी। ओ अर्चना, तुम जाना मत, मैं अभी आता हूँ। हाँ मानव। मैं जानती हूँ मानव, आप मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहते, और सच कहूँ तो मैं भी आपको डिवोर्स नहीं देना चाहिए। लेकिन हालात ऐसे हैं, मैं मजबूर हूँ मानव। मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। हाँ पूर्णिमा, तुम खाना नहीं आ रही हो? नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप लोग जाइए। क्यों? ओह गॉड, ये ओवी भी ना, जो हुआ सब कुछ जाकर अर्चना आती है और पूर्वी को बता दी। अब आतिया हाथ धोकर इसके पीछे पड़ जाएगी। ऐसे ही उसने पूर्वी को मेरे पीछे लगा दिया। अब इससे पहले कि पूर्वी मुझ तक पहुंचे, मुझे ओवी को बताना होगा कि अर्जुन का अफेयर खुद उसकी अपनी बहन पूर्वी के साथ चल रहा है। फिर पूर्वी के लाख एक्सप्लेनेशन देने पर भी ओवी उस पर बिलीव नहीं करी, लेकिन ओवी तक ये बात कैसे पहुंचाऊं? चलो मेरे ऑफिस आने का कुछ तो फायदा हुआ। मानव, ये आम के बॉक्सेस यहाँ पर क्यों रखे हैं? मैं अंदर ले जाती हूँ। नहीं अर्चना, तुम आई के घर जाती हो ना, तो आई के पास लेती हुई जाना। मानव, आप जानते हैं कि आई को। अर्चना, तुम उनसे ये मत कहना कि ये मैंने भेजा, ये कहना कि तुम खुद लेकर आए। मानव, आप समझ नहीं रहे, मैं अनिकेत और पूर्वी के लिए भेज रहा हूँ। वो भी तो हमारे फैमिली के बच्चे, मैं उन लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। प्लीज अर्चना, मना मत करना। आप इतने हक से दे रहे तो मैं जरूर ले जाऊं। मानव, कितनी छोटी सी उम्र है ना मेरी इन खुशियों की। आपका मेरे साथ होना, मेरे परिवार की परवाह करना, आने वाले 3 महीनों में ये सब खत्म हो जाएगा। 18 साल तक मैं आपके साथ नहीं थी और आगे भी आपका साथ नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मैं नाराज नहीं। पापा ने मुझे ये जो पल भर की जिंदगी दी है ना, मैं इसमें पूरी तरह आपको महसूस करना चाहती हूँ माना। बस हमारे इस साथ को किसी और की नजर ना लगे। पूर्वी, तू पता करेगी आज कि वो लड़की कौन जो अर्जुन सर और ओवी मैम की जिंदगी में जबरदस्ती की प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। आखिर कौन हो सकती है वो लड़की जिसने ओवी को फोन किया था? कहीं उसे मेरे और अर्जुन के बारे में सब कुछ पता तो नहीं चल गया? इससे पहले कि ओवी तक मेरे और अर्जुन की सच्चाई पहुंचे, मुझे उस लड़की को ढूंढना होगा, और उससे पहले मुझे अर्जुन से बात करनी होगी। गॉड, ये पूर्वी अर्जुन सर के पास क्यों जा रही है? कहीं उसने अर्जुन सर को उस फोन कॉल के बारे में सब कुछ बता दिया तो? गॉड कुन्नी, बी केयरफुल, कहीं ओवी और पूर्वी को अर्जुन के लाइफ से हटाने के चक्कर में तू खुद फंस ना जाए। ये लड़की कौन थी? किसने फोन किया आपको? ये वही तो पता करना, और आई ने उस लड़की को ढूंढने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी। सॉरी सर, मैं इस तरह आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा। प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉब्लम? सर, वो ओवी मैम को किसी लड़की का फोन आया था। अर्जुन का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। ये लड़की कौन थी? किसने फोन किया आपको? ये वही तो पता करना, और आई ने उस लड़की को ढूंढने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी। कितनी अजीब बात है ना सर, जिस लड़की को लेकर ओवी मैम इतना इनसिक्योर फील कर रही है, उस लड़की की तो आपकी लाइफ में कोई जगह ही नहीं है। ओवी, खास ये बात मैं उन्हें बता पाती। मैं ही वो लड़की हूँ, और मुझे उन्हें कन्विंस करना है कि आपकी लाइफ में कोई और नहीं है, कोई आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। देखा सर, आपने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। अपने आप एक मजाक बन के रह गई। कोई मजाक नहीं बना तुम्हारा। पूरी अंडरस्टैंडिंग पूर्वी ओवी मेरी बचपन की दोस्त है, उसके साथ इतना बड़ा केस चल रहा है, मैं इस सारी चीजों के बीच में उसे कुछ नहीं बता सकता। मैं सिर्फ उस केस के खत्म होने का वेट कर रहा हूँ। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब एवरीथिंग इज गोना बी ओके। मेरी बात समझो, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप सगाई वाले दिन सबको सब कुछ सच सच बता देते। पूरी एंगेजमेंट वाले दिन चीजें मेरे हाथ में नहीं थी। थी सर, चीजें आप ही के हाथ में थी। खैर छोड़िए, आपका और मेरा रिश्ता तो अब जुड़ने से रहा। अब बस आपके और ओवी नाम के रिश्ते को बचाना पूर्वी, और उसके लिए हमें उस लड़की को ढूंढना होगा जिसे हमारे बारे में सब कुछ पता है। पूर्वी मेरी बात समझ नहीं, आपको ये बताने आई थी। पूर्वी मेरी बात समझने की कोशिश करो। डैड के अलावा मैंने अपने और पूर्वी के बारे में किसी को नहीं बताया, फिर किसी और को ये बात कैसे पता चलेगा? आखिर कौन है वो? जो कोई भी है उसे ढूंढना जरूरी है।